और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ नारायण बिजनेस स्कूल को राइट आई थिंक ये कॉलेज अहमदाबाद में लोकेटेड है और इस साल मैंने इस कॉलेज को रिव्यू करते करते काफी लेट कर दिया ऐसा मुझे लग रहा है पर एक कहावत है ना देर आई दुरुस्त आए रीजन uh, मैं इसको रिव्यू कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक अभी मैं रिस बहुत सारे कॉमेंट्स पढ़ रही थी एंड एनआलड ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि मैं आपने इस कॉलेज को रिव्यू भी नहीं किया रिव्यू भी, भी नहीं तो आई ऑफ मेकिंग अ बिटियो अहमदाबाद में वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस है राइट फ्रॉम आई अहमदाबाद टू निर्मा टू तो माइका एंड उसके बाद यू नो कॉलेज की लिस्ट जो है वो काफ़ी कम है तो बच्चा ये सोचता है कि यार मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही है तो भाई इस कॉलेज का प्रॉस भी कौन भी सब बताने वाली हूँ बिकॉज मैंने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच स्टूडेंट्स से बात की है ज़्यादा स्टूडेंट्स पी के थे ठीक है एंड उन्होंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हुआ था सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से बात नहीं हुई है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से बात हुई है तो मैं आई थिंक सारी चीज़ें बता पाऊंगी अबाउट दिस स्पेसिफिक कॉलेज क्योंकि मैं फिजिकली विजिट भी करके आई हूँ जिस टाइम पे ये कैंपस जिस बना था जो उनका नया कैंपस है तो आई थिंक इसका इंतजार है सभा शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड टाउ वेलकम बैक टू टॉकिंग अबाउट एन बी एस अहमदाबाद दिस इज बेसिकली द कैंपस मेरे हिसाब से तो यू नो काफ़ी सुंदर कैंपस है आई मीन आई थिंक सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एंड लोकेशन uh, भी जो है वो आउटस्कट्स नहीं है राइट काफ़ी इजी एक्सेसिबल लोकेशन है तो दैट इज द कैंपस यस तो व्हेन आई विजिटेड द कैंपस आई थिंक इट वाज ऑलमोस्ट 80 90 परसेंट कंस्ट्रक्टेड सिर्फ ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था बाकी मेजोरिटी ऑफ चीज़ें जो है वो बन चुकी थी तो दैट इज़ रीजन आई थिंक एम द राइट पर्सन टू से सुंदर है कैंपस नाउ बात करें एन बी एस की तो इस्टेब्लिश हुआ था दो डिकेट्स पहले बहुत सारी चीज़ों पे नहीं बात करेंगे बट स्पेशली यू नो ड्यू टू अकेडमिक्स ये कॉलेज काफ़ी जाना जाता है एंड मैंने जब रिव्यूज़ भी लिया तो मुझे ये सेम फीडबैक मिला है उस पर हम आगे बात करेंगे इसीलिए कह रही हूँ पूरा वीडियो ज़रूर ज़रूर देखना अगर आपकी लिस्ट में ये कॉलेज है तो एंड अकेडमिक्स में भी दैट टू स्पेशली फिनैंस बिकॉज जिनका कॉलेज है उनका भी जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी फिनेंशियल बैकग्राउंड है मतलब उनकी एजुकेशन राइट ही सेल्फ अ चार्ट अकाउंटेंट एंड तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच वी कन डिस्कस इन दिस एपिसोड ये कुछ वैल्यू एडिड प्रोग्राम है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेटर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कैंपस लीडरशिप एच आर एक्सेलेंस ट्रेनिंग डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम एंड एग्जाम प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन तो यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेशन है बट मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज सबके बारे में मैंने उतना डिटेल में नहीं पूछा ये कंटेंट मैं बाद में देख रही हूँ पहले बात मैंने की है एक स्टूडेंट ही वॉज फ्रॉम बिहार एंड ही सैड कि मेरा एडमिशन जो है वो मतलब हो गया था मेरी कम्युनिकेशन उतनी वीक नहीं थी इनका जो पैरामीटर है इस साल तो उन्होंने टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन में सिक्सटी कर दिया है इससे कम में वो लेते ही नहीं हैं और इस साल शायद फीस भी बढ़ गई है बट जिस बैच में उस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सिक्स पॉइंट फाइव फीस थी एंड अगेन कम्युनिकेशन दैट इज नॉट समथिंग जिसके बेसिस पे ही सिर्फ सिलेक्शन होता है Said कि, you know, हमारे लिए सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस होती है बिजनेस कम्युनिकेशन क्लासेस रहती है जहाँ पे हमें हमारी पर्सनालिटी कैसे चेंज करनी है, हमारी कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करनी है हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं भले वो रिज्यूम बिल्डिंग हो भले वो प्रेजेंटेशंस के थ्रू हो या भले वो अगर हम बात करें तो मोनोलॉग्स होते हैं मॉक इंटरव्यूज होते हैं जिसमें यू you नो know, काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है वो कहता है कि मैं मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी यहाँ पे आने के बाद मेरी काफ़ी इम्प्रूव हुई है बट मेरे अंदर अभी भी ये प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा सा हेसिटेट करता हूँ तो उसमें क्या है कि यू you नो know, जो प्रेजेंटेशन होती हैं जो मोनोलॉग्स होते हैं जैसे अभी रिसेंटली उसने बताया कि मेरा एक मॉक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे मुझे इतने टफ क्वेश्चंस पूछे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं काफ़ी डर गया एंड उस इंटरव्यू के बाद मुझे पर्सनली यू नो जो मुझे मेरे मैंटॉर थे जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे बुलाया ये प्रॉब्लम थी यहाँ पर आपने गलती इसको आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हो तो ये चीज़ है जो मुझे काफी अच्छी लगी तो मुझे लगा कि आई थिंक ये आपको बताना चाहिए दैट इज़ द रीजन मैंने इतनी बड़ी रामायण गाई पर इसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम्स की तो एम बी ए कराता है, है यूनिवर्सिटी you know, से सेटेड है डूबल स्पेशलाइजेशन में पीजीडीएम कराता है मतलब आप मार्केटिंग फाइनेंस मार्केटिंग एच जो भी दो स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं इसमें वन एट्टी दिया हुआ है पर स्टूडेंट uh, ने मुझे ये बोला कि थ्री हंड्रेड सीट हैं तो इसको आप एक बार रीवेरीफाई कर सकते हैं पीजीडीएम डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में सिक्सटी स्टूडेंट्स हैं सिक्सटी का इनटेक है एंड पी जू डी क्विंटिटेटिव फिनास में सिक्सटी का इंटे है तो मैंने एक बच्चे से बात की थी जो क्वांटिटेटिव फाइनेंस में है उसके बाद में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स तो नहीं थे इट वाज नियर अबाउट 15 स्टूडेंट्स पर हम उस पे भी बात करेंगे कि ये कोर्स कैसा है बिकॉज आई थिंक जब मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाया था तो मैंने इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया था पर आपके दिमाग में प्रश्न चिन्ह तो बहुत सारे आ रहे होंगे कि मेरे लिए कॉलेज सही है या नहीं तो देखो यूजुअली जब हम कॉलेज रिव्यूज पे बात कर रहे होते हैं तो हम एक इन जनरल एक कॉलेज के बारे में बात कर रहे होते हैं बट यूजुअली मैं जितने स्टूडेंट्स को देखती हूं जो इवन इवन नारायण पूछते

आर आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे एक फाइनल डिसीजन जो है वो बच्चे को लेना चाहिए अगर आपको कोई भी हेल्प लग रही है आपको स्टूडेंट से कनेक्ट करना है और जानना है तो नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं अदरवाइज आपका कहोगे मैंने तो बताया ही नहीं नाउ टॉकिंग अबाउट दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन सिक्सटी ये इस साल हंड्रेड परसेंट श्योर है मतलब इससे कम में है तो आप एलिजिबल नहीं हो इस कॉलेज के लिए अप्लाई करने के लिए देन इनका खुद का एग्जाम होता है जो कि एन बी सैट होता है जिसकी बेसिस पे आप अप्लाई करते हो देन आपकी लिस्ट आती है देन आपका इंटरव्यू होता है और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है तो so, अगर आप डिसेंट कम्युनिकेशन है आपका अकेडमिक्स अच्छा है देन यू विल बी एबल टू मेक इट टू दिस कॉलेज जहाँ पे अगर हम बात करें स्कोर इन कॉमन एंट्रेंस फिफ्टी परसेंट टाइम Uh, अगर हम अकेडमिक परफॉर्मेंस प्रियर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें ट्वेंटी परसेंट का वेटेज जी डी फिफ्टीन एंड पर्सनल इंटरव्यू को फिफ्टीन परसेंट का वेटेज नाउ फी स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले इनकी फ़ीस सिक्स पॉइंट फाइव थी तो बहुत सारा बच्चा यू नो जिस जो कम बजट में कॉलेजेस देख रहा होता था पुणे में मुंबई में उसको वहां पे उतने ब्रांडेड उतने नॉन कॉलेजेस नहीं तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता था कि नहीं यार इस क्योंकि यू नो दे मार्केटाइज आल्सो तो बच्चे ने नाम तो जो है वो सुन रखा होता है पर इस साल क्या है एक और क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है कि फीस तो बढ़ गई है तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सेवन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड दैट मीन्स नियर अबाउट एट लाख ,00 का फीस स्ट्रक्चर हो गया है दैट इज क्वाइट इक्वल टू कॉलेज विच इज़ देयर इन पुणे मुंबई डेली राइट देन इनका जो डेटा एनालिटिक्स और क्वान्टिटी फाइनेंस वाला कोर्स है उसका फ़ीस स्ट्रक्चर है टेन लाख एटी फाइव थाउजेंड उसके बाद आपका हॉस्टल का राइट दे हैव टाइब्ड हॉस्टल्स राइट पीजी जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए और उसके लिए आपको जो भी ट्रैवल अलाउंस है वो भी कही न कहीं ना कहीं कॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता है तो फी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो क्या मुझे आर आई मिलेगा या नहीं मिलेगा हम उस पर भी डिस्कस करेंगे मैं अपना कंटेंट थोड़ा सा रेफर कर लूँ यू नो बहुत सारे पॉइंट्स हैं कुछ मिस ना हो जाए सो दिस इज बेसिकली कैंपस लाइफ आई आल्सो आज दिस क्वेश्चन टू ऑल द फाइव स्टूडेंट्स विद हुम आई इंट्रेक्टेड दिस हेट कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी है आई मीन आई थिंक बहुत सारे इवेंट्स होते हैं क्लब्स हैं जैसे मार्केटिंग का क्लब है टेक्निकल क्लब है राइट right, फिनंस क्लब है तो आई मीन थ्रू आउट द ईयर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंडक्ट होती हैं जेंडर डाइवर्सिटी की बात करें काफ़ी अच्छा है दैट इज फोटी फाइव परसेंट भी फीमेल्स हैं एंड फिफ्टी फाइव परसेंट मेल है मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ देन ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स की बात करें तो बी ए वाले फाइव परसेंट बी कॉम एटीन परसेंट बी वाले वे ट्वेंटी फाइव परसेंट बी ए वाले थर्टी परसेंट बी सी ए वाले टेन परसेंट बी एस सी वाले ट्वेल्व परसेंट प्लेसमेंट्स की हम बात करें सेवन पॉइंट फाइव बट प्लेसमेंट से पहले मैं जो मुझे सच में इस कॉलेज को लेकर फीडबैक मिला हर बच्चे से जितनों से मैंने बात की मैंने सोचा कि यार शुरू में जिन बच्चों से मैंने बात की देवर साउंडिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट देवर हाथिंग गुड पर्सनैलिटी तो मुझे लगा हो सकता है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये खुद भी अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं पर मैंने ऐसे बच्चों से बात की जो काफ़ी एवरेज थे सब ने फैकल्टीज को लेकर बहुत तारीफ की उन्होंने उनका ये कहना था कि हर बच्चे पर काफ़ी प्रिसाइजली जो है कॉलेज काम करता है भले वो सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस हो तो फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं जहां पे आपके ऊपर इंडिविजुअली बहुत ध्यान दिया जाता है राइट तो ये एक ऐसा रिव्यू था मैंने वैसे बहुत सारे कॉलेजेस पे जब वीडियो बनाई है मैंने हमेशा ये कहा है कि फैकल्टीज को लेके अच्छे ही फीडबैक्स मिलते हैं बट यहाँ पे आई मीन द वे देवर लाइक मेंशनिंग जैसे मैंने आपको सॉफ्ट स्किल्स की इनकी बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस हैं तो आपको कैसे डेवलप करना है राइट और ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चे ने बताया कि हमारे बैच में से वन एटी स्टूडेंट्स हैं तो कुछ एक इन जनरल डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअली हर बच्चे पे फोकस करना उसकी कमियां बताना फिर उस पर मॉनिटर करना तो इसको लेके मुझे काफी फीडबैक्स मिले और मैंने जितने बच्चों से पूछा कि फैकल्टीज के हिसाब से कॉलेज कैसा है तो दे सेट दैट यू नो आई थिंक फैकल्टीज के हिसाब से आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो बिकॉज मैंने जो साढ़े लाख रुपए फीस दी क्योंकि उनको साढ़े लाख रुपये फीस पड़ी उसके हिसाब से तो आई थिंक इट इज वर्थ इट बिकॉज मैं जब आया था मेरी पर्सनैलिटी और अभी में काफी डिफरेंस है अभी ये प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं सेवन लाख का जो है सेवनटीन पॉइंट फाइव लाख का अब इसमें जो प्लेसमेंट को लेके मुझे रिव्यूज मिले हैं आई I मीन mean मुझे जो बच्चों ने बताया वो नियर अबाउट फिफ्टीन का था ठीक है एवरेज पैकेज में कुछ बच्चों ने सात आठ भी बोला कुछ बच्चों ने यू you नो know, बोला कि पाँच से छः लाख का भी है तो यहां पे प्लेसमेंट्स को लेके थोड़े से वेरिएशन थे पर अगर हम ओवरऑल प्रोस्पेक्ट से बात करें तो उनका ये कहना था कि यू you नो know, जो फीस है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आप इसको देख सकते हैं फाइनेंस के लिए जो है वो यू नो फैकल्टी सबसे ज़्यादा अच्छे हैं स्पेसिफिकली टू दिस कॉलेज बट डज इन मीन्स कि बाकियों के लिए उतने नहीं हैं और अगेन फाइनेंस मार्केटिंग देन एच आर एन एस स्पेशलाइजेशन है कई सारी कंपनीज जैसे कुछ स्टूडेंट ने बोला लैंडमार्क आती है एस एन पी ग्लोबल आती है बैंक्स आते हैं एल जी आई थी यू you नो know, जो मैंने शुरू के बच्चों से बात की मैंने उनसे पूछा कि क्या कंसल्टिंग फर्म्स आती है डिलॉयट ईवाई आती है तो देस एड नहीं आती है बट जो लास्ट के दो बच्चों से बात की तो उनका कहना है कि यू नो डिलोयट आई थी तो ऐसे कहीं ना कहीं ओवरऑल रिव्यूज़ हैं पर सवाल यही है कि क्या आपके लिए सही है बिकॉज अगेन सिक्स पॉइंट फाइव फीस था फीस अब एट हो गया है आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इंक्रीज करेगा क्वेंटिटिटिव फाइनेंस में मैंने बात नहीं की क्वेंटिटिव फाइनेंस में मैंने बच्चे से पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन पीजीडीएम फाइनेंस एंड पीजीडीएम इन क्वेंटीटेटिव फाइनेंस तो ही मैंशन कि यू uh, नो you know, जो हमारा पी जी है वो डूल स्पेशलाइजेशन है जहाँ आपको डूल स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं मिलती है बट अगर हम क्वेंटेटिव फाइनेंस की बात करें कोड सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा हैं काफी डिटेल में हैं और अभी जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया ज़्यादातर बच्चों से जिनसे मैंने बात की फर्स्ट ईयर में थे तो दे ऑल्सो मैंशन की इंटर्नशिप्स के लिए कई सारी कंपनीज़ आई हैं क्वान्टिटेटिव फाइनेंस के लिए जो ज़्यादातर कंपनीज़ है काफ़ी कोर प्रोफाइल्स लेकर आई हैं फाइनेंस को लेकर तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग पर ऑल इन ऑल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए या आपकी लिस्ट में कौन से कॉलेजेज़ हैं आपका बजट क्या है क्या आपको सेम बजट में पुणे में से बेहतर कॉलेज मिल सकता है मुंबई में मिल सकता है या फिर आपको इसी के साथ जाना चाहिए ये बहुत सारे सवाल हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पे कहीं ना कहीं